SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. हॉकी पर बनी बॉलीवुड की फिल्म चक दे इंडिया का एक फेमस डायलॉग है, जो हो नहीं सकता वही तो करना है। टोक्यो की एस्ट्रो टर्फ पर भी भारतीय हॉकी टीम उसी ना को हां में बदलने में भिड़ी हुई है। 49 साल बाद भारतीय हॉकी की मेंस टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल का टिकट कटाया है, जहां अब उसका मुकाबला बेल्जियम से है, वो टीम जो वर्ल्ड नंबर 2 है और साथ ही अटैकिंग हॉकी खेलने के लिए भी विश्व विख्यात है। भारत के 8 गोल के मुकाबले टूर्नामेंट में उसके 29 गोल हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप की ये टीम भारतीय डिफेंडरों को कितना बड़ा टेस्ट लेने वाली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है, वहीं बेल्जियम ने स्पेन को शिकस्त दी है। टूर्नामेंट में देखा जाए तो दोनों टीमों ने दमदार खेल दिखाया है, ऐसे में फाइनल के टिकट के लिए इनके बीच होने वाला मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले अब जरा भारत और बेल्जियम की ताकत भी टटोल ली जाए। भारतीय हॉकी टीम ने 2019 में बेल्जियम का दौरा किया था, उस दौरे पर उसने सभी मुकाबले जीते थे। एक मैच में तो बेल्जियम को 5-1 से रौंद डाला था। पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो भारत ने 4 मैच में विजय दर्ज की है। ये आंकड़े तो भारतीय खेल प्रेमियों के अंदर जीत की गुदगुदी करने वाले हैं, लेकिन दोनों टीमों के बीच ओलंपिक में हुई आखिरी भिड़ंत को याद करेंगे तो उसमें बेल्जियम ने भारत को 3-1 से धोया है। खैर, ये उतनी भी हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि टोक्यो 2020 में भारतीय हॉकी अलग ही रंग में है। वो वही करती दिख रही है जो देखने को नहीं मिला। उम्मीद है मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और यूरोपियन चैंपियन बेल्जियम के खिलाफ हिंदुस्तान की हॉकी सिर चढ़कर बोलेगी। वहीं इसके अलावा दूसरे अन्य इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों को हार ही नसीब हुई है। महिला चक्का फेंक एथलीट कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में 6 स्थान पर रहीं, जबकि महिला स्प्रिंटर दूती चंद 200 मीटर हीट 4 में 7 स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गईं। इसके अलावा निशानेबाजी में भारत को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टोक्यो ओलंपिक्स और देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।